डोंकी किंग बना कार्टून, उसके अंदर भी 21 कैरेक्टर मैंने प्ले किए, 21 डिफरेंट आवाज। फिर अभी कुछ अर्सा पहले हमने छोटी ईद पे अमर मकसूद और मोइन अख्तर एक बड़ा अरसे तक एक प्रोग्राम करते थे लूज टॉक, तो एयर वाइप वो हमने रिपीट किया और 3 एपिसोड अंदर साथ जी पानी चाहिए उसको किसी तरह से कम कर सके मजाक के अंदाज में, उसकी एक छोटी सी कोशिश है, शुक्र है उसमें कामयाबी मिल रही है। मैं अभी तक तकरीबन 122 लोगों की आवाज़ें नकल कर चुका हूँ उनके अंदाज से, पाकिस्तान के भी, पाकिस्तान के बाहर के भी, इंडिया के भी, किसी को भी जानते हो बता दें। लोग यहाँ आलमगीर भाई बैठे इनके शबाज शरीफ इमरान खान साहब तो देखा आलमगीर, हाँ आप इस दफ़ा इलेक्शन लड़ने लगे, बहुत बड़ी बात है, यहाँ पे मौलाना साहब से आप आए मुलाकात करने के लिए, आपको इनसे दुआ लेके जानी चाहिए क्योंकि आपको पता ये मुल्क ये एक इश्क का रास्ता, ये एक मोहब्बत का रास्ता, ये ऐसे करप्शन से नहीं चलने लगा। आप माशाल्लाह फिक्सेट करते रहे। आपको पता मौलाना साहब आलमगीर साहब ने कराची में कम से कम कोई 1500 गटर के ढक्कन बंद किया है, मैं किसी के मुंह की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो खुले मैन होल थे वो उन्होंने बंद किया, उसके बावजूद अभी भी कराची में मैन होल है। आलमगीर आपने फतह के बाद एक मुझसे वादा करना, कम से कम डिफेंस और क्यूँ बात में मुझे कोई मैन होल नजर आया, मैंने आपको छोड़ना नहीं है। ओह सॉरी मैं भूल अच्छा मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब आजकल जरा जेल में, उनके जरा ज्यादा काम है। अच्छा भाई आप तो हमारे बड़े अजीज हैं, आपके साथ हमारा बड़ा पुराना ताल्लुक है, आपको मैं दावत देता हूँ, आप कभी लाहौर आए, आप देखें कि इस तब्दीली ने लाहौर का हाल क्या कर दिया है। लाहौर के अंदर आप भी देख सकते हैं कि किस किस तरह से ऑपरेशन किया जा रहा है, लोगों के मकान ढाए जा रहे हैं। अगर ये तब्दीली 2 महीने और रही, यकीन करें लोग मुझे भूल जाएंगे लोग मुझे। मौलाना साहब के फैसलाबाद जाके देखिए, वहाँ पे 2-2 साल से बंद मिले चल रहे हैं, अगर ये सिलसिला मजीद चला तो मैंने आपको सड़कों पर सीख दी। और अभी एक फिल्म आ रही है बच्चों की, डोंकी की फिल्म है, कार्टून फिल्म है कि जंगल में इलेक्शन होते हैं। और मैं आपको सिर्फ एक चीज़ की दरख्वास्त करूँगा कि मैं आजकल जेल में आदमी कभी कभी डिप्रेशन में चला जाता है, कभी कभी आदमी को लगता है कि जेल में वो बात नहीं है जो मॉडल टाउन में होती थी, जो रायगढ़ में होती थी, जो अरफा करीम IT टावर में जो मेरा कैंप ऑफिस है वहाँ होती थी, जो मीनार पाकिस्तान में पंखा चलते हुए जो कैफियत थी, कुछ वैसी कैफियत आजकल जेल में है। मैं साहब आपसे दुआ के इल्तमास है कि फौरी दुआ करें कि आलमगीर साहब आप भी दुआ करें कि मैं जेल से रिहा हो जाऊँ और एक आज़ाद परिंदे की तरह दोबारा से जलसे करूँ और जलसों में गाना गाऊँ, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को। माइक जरा करीब लाना कि मैं जरा माइकों को दंडी बांट दूँ। मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। आपको अर्ज किया है कि हमें आज तक ये समझ नहीं आया कि लोग आखिर ये क्यों कहते हैं कि सिंध में तरक्की नहीं हुई। आप देखिए सिंध की पिछले हुकूमत ने सिंध को क्या दिया, न पानी दिया, न यहाँ पे सिक्योरिटी के सिचुएशंस को कंट्रोल किया। इनफैक्ट सिंध के लोगों ने तो PTI को वोट दिया। ओह अच्छा पिछली हुकूमत भी हमारी थी, हम तो भूल गए। मौलाना साहब आप तो जानते हैं कि इस वक्त सिंध हुकूमत काफ़ी परेशानी है। हमारे पास सिंध के अंदर बहुत तरक्याती बजट है, आप देखें सिंध में हमने तकदीर बदल दिया है काफ़ी लोगों, पाकिस्तान में तो अभी तक बदली नहीं, कभी गरूर नहीं किया, हमने तरक्की बहुत करवाई है ना बाप। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको बताना चाहता हूँ मौलाना साहब के जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम। आप चाहे जो भी कहते रहे लेकिन हम तो एक ही बात करेंगे, मरसू मरसू सिन्ना देसू, मरसू मरसू सिन्ना देसू, पाकिस्तान का।